गाइस मीट माय न्यू फ्रेंड शी जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। आपने भी करा है कि नहीं? जल्दी करो। मारेगी ना पकड़ के टपली। हां नहीं तो तुम्हारा भाई आज गोवा में व्लॉग बना रहा है। भाई कब से प्लान बना हुआ था गोवा आने का। ओए चल रहने दे। यहाँ पर मतलब ज्यादातर कैफेज बार्स और टैटू वगैरह मतलब ऐसे एंटीक चीजें ही ज्यादा है। वेज ऑर्डर किया था मैं नॉन वेज पे यहाँ पे इसका भी खाऊंगी उसका भी खाऊंगी सबका खाऊंगी। हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आपने लास्ट व्लॉग में देखा रहेगा हम लोग आए थे गोवा में, एक्चुअली होटल यहाँ पर बुक करा था और हमने सारे बैग्स वगैरह ऊपर शिफ्ट कर लिए और चेंज वगैरह करके हम लोग निकल रहे बाहर एक राउंड मारने के लिए, जाके कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे क्योंकि भूख भी लगी हल्की हल्की और कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है ये लोग को, लेडीज लोग को जो उनको एक्चुअली कुछ टॉप्स वगैरह लेने हैं। हाँ अमू तो बहुत सारे कपड़े पहले लेके आ रखी है तो अमू को तो कपड़ों की बिल्कुल कमी नहीं है। ऐसे जाने वाले इतने कपड़े अमू लेके आई है, मतलब 8-8 जोड़ी हम वो कपड़े ऑलमोस्ट लेके आई है। बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब जो मन करेगा पहन लेगी, है ना। एक्चुअली so, मैंने इसे लाया था ना क्योंकि इनकेस कुछ होता है पानी में गया तो किसे एक्स्ट्रा होना चाहिए। अभी हम लोग सब लोग चल रहे बाहर, बाहर जाके मस्त नाश्ता करेंगे और कुछ कपड़ों की शॉपिंग वगैरह करनी वो करेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे चल चल के, क्योंकि यहाँ पे रोड्स ना बहुत छोटे छोटे यार तो कार में ना बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर घूमने के लिए। बट ठीक है यहाँ का ना जो क्लाइमेट है वो बहुत सही है, एकदम ठंडा क्लाइमेट है और सीनरी अभी बहुत प्यारी है यहाँ पर। अभी पीछे ही देख लो, जस्ट बाहर ही निकले हम लोग होटल से और सामने सीन देखो कितना प्यारा है, मस्त। यहाँ पे एक रिवर सी है, पीछे नारियल के पेड़ वगैरह दिख रहे हैं और हम लोग ऐसे थोड़ा सा चल चल के जा रहे हैं आगे की तरफ जहाँ पर हमें मार्केट वगैरह दिखेगा वहाँ। वैसे कैसे अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:15 और हम लोग निकले इस टाइम पे बाहर और तुम्हारा भाई आज गोवा में व्लॉग बना रहा है। भाई कब से प्लान बना हुआ था गोवा आने का। ओए चल रहने दे, इसने जबरदस्ती मुझे बोला कि ये वाला टी शर्ट पहन, तब जाके मैंने ये पहना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ये मुझे कॉपी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, आपको पता ना। ये कैसा लग रहा है गोवा का? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अभी तो और मजा बाकी, कल जाएंगे बीच पे। हाँ कल बीच पे जाएंगे, अभी तो शाम हो गया, हम लोग सब लोग थक चुके हैं तो अभी नहीं जाएंगे बीच में मस्ती वगैरह करने, अभी खाना कल जाएंगे अभी। हाँ मस्त जाके घूमेंगे, खाना वगैरह खाएंगे आज के लिए, अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आसपास का एरिया। मतलब गोवा में ना भाई यहाँ पे जितने ग्रोसरी शॉप है ना उससे ज्यादा तो बियर लिकर शॉप है और ग्रोसरी शॉप में भी बियर वगैरह रखा हुआ है। वहाँ पे हमारे मुंबई साइड में ना जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितने कॉमन है ना, हाँ वैसे यहाँ पर ड्रिंक्स है, पानी की टपरी भी मिल जाएगा वैसे यहाँ पे। ओके आई विल बाय टू। ओके भाई यहाँ पर एक कैफे है, वहाँ पर बाइक्स वगैरह रखे अंदर, सही है बाइकर्स के लिए मस्त है। एक्चुअली यहाँ पे बाइक रेंट वगैरह करते हैं शायद टैटू। यहाँ पर मतलब ज़्यादातर कैफेज बार्स और टैटू वगैरह मतलब ऐसे एंटिक चीज़ें ज़्यादा है, वो एंटिक चीज़ें कॉमन है यहाँ पर, यहाँ पे ज़्यादा वो वाइब है। बदनाम तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलते ना कि हर जगह मिलता है पानी जैसा दारू मिलता है, वैसे यहाँ पर एक्चुअली में है ऐसा कि हर जगह सिर्फ दारू दिख रहे हैं। हम कुछ और देखने कपड़ों की शॉपिंग करने कपड़े नहीं है, कोई दुकान नहीं है, ऐसा कोई होटल नहीं है जहाँ आपको ड्रिंक्स नहीं मिलेंगे। फाइनली हमें एक दुकान मिला है कपड़ों का स्टॉल, अब यहाँ चल के देखते हैं इन्हें क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा। यहाँ पर चप्पल से और कपड़े भी है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए ज़्यादा कलेक्शन है बट बॉयज़ के लिए भी थोड़ा मोड़ा है। भाई इट्स 7:28 PM और अभी थोड़ा अंधेरा सा होने लगा है। मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि गोवा में ना अंधेरा थोड़ा लेट हो रहा है कंपेरेटिवली, क्योंकि आपने यहाँ पर तो भाई 6:30 तक ही अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर 7:30 हो रहे तो अभी अंधेरा होना यहाँ पर शुरू हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया पकड़ लो, बट फिर भी थोड़ा स्काई में लाइट्स दिख रही है तो ये एक डिफरेंस लगा मुझे। और मेबी अभी हम लोग जा रहे हैं बीच के साइड पर शॉपिंग करने, तो लेट सी क्योंकि लास्ट जो शॉप था ना वहाँ पर कुछ अच्छा ही नहीं लगा, फटा हुआ था कपड़ा। हाँ कपड़ा जो मिला एक अच्छा लगा था वन पीस पर वो डैमेज था तो फिर वो भी नहीं लिया हमने। अभी जा रहे बीच वाले साइड पर, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, लेट सी। फूड के लिए प्लेस है, हमें कोई मिल नहीं रहा था तो अभी ये एक मिला है तो अभी यहाँ जाके चेक करते क्या है। आज कल थोड़ा दिन घूमेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कैफ़ेज़ फूड के कैफ़ेज़ कहाँ पर है, और क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह पे तो मतलब जहाँ भी कैफ़ेज़ दिख रहे हैं वहाँ पे ड्रिंक्स दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो ड्रिंक के लिए ही है। सो लेट्स सी, हाँ यहाँ पर भी है। भाई वेज सैलेड मंगाया तो था लेकिन अचानक से बकरे वाली फीलिंग आने लग गई।
भाई ये बर्गर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, इसको पता नहीं कैसे खाऊंगा, मेरा पूरा मुंह रंगने वाला है। भाई खाना तो खा के हो चुका है, बट यार खाना बहुत ज़्यादा स्वीट था उसकी वजह से ना, होटल था। चलो हमारा खाना तो हो गया, लेकिन अब खाना बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं राउंड मारने के लिए। ये आसपास में राउंड मारेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। हमारा पेट दिखाओ। आज तो बहुत खाना हो गया भाई, पेट एकदम ज्यादा टाइट हो गया एकदम। एक्चुअली क्वांटिटी अच्छी थी ना उनकी, क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा इतना फाइन साइज का था, जैसे कैसे छोटे-छोटे पीसेस लेके देंगे, बट नहीं, बट भर-भर के दिया था। लोग यहां पे रुक गए क्योंकि ऋषि को 3/4 लेनी है, अभी वो चेक कर रहा है मिल रहा है क्या उसके पसंद का। बाकी यहां पे शर्ट्स वगैरह है अवेलेबल, जो हाफ स्लीव्स के है ना 350 में मिल जाते आराम से। ओ हमें मैडम भी लग गई, और जो 50 टॉप आप लेके आई हो मैडम उसका क्या, वो भी पड़े रहेंगे। ओके गाइस, मीट माय न्यू फ्रेंड, शी जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, आपने भी करा है कि नहीं, जल्दी करो। मारेगी ना पकड़ के टपली, और नहीं तो भाई लेने आए थे ऋषि के लिए, और मुझे भी एक शर्ट पसंद आ गया तो मैंने भी ले लिया, ये कलर लिया है मैंने, और पहना हुआ आप कल देखना नेक्स्ट वाले व्लॉग में। भाई रात के 10 बज चुके और हम लोग आ चुके हैं रिटर्न होटल में, क्योंकि थोड़े से पैर दर्द देने लग गए थे, हम लोग वॉक कर रहे थे ना, तो अभी घर पे आ गए, थोड़ी देर अभी रेस्ट करेंगे और सोच रहे कि रात को ना राउंड मारने के लिए बाहर जाए बीच पे, 2-3 बजे के आसपास सोच रहे बीच पे जाके देखे वहाँ पे लोग होते हैं क्या क्या नहीं होते, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि नाइट लाइफ कैसी है करके, तो बीच पे तो अभी तक हम लोग गए नहीं है। आज वैसे दिन भर मतलब आए वहाँ से तो थके हुए थोड़े, तो इसलिए मन भी नहीं कर रहा बाहर जाने का, बट थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अगर मन हुआ तो बाहर चले जाएंगे, नहीं तो फिर आपको कल सुबह मिलूंगा। हम तो थक गए खा के और चल के, ढोलू आज तो मैडम ने दबा के खाया है ना मैडम, सब में से थोड़ा थोड़ा खाया। ये वेज इंसान है, उसने भी एक वेज ऑर्डर किया था, मैं नॉन वेज पे यार, इसका भी खाऊंगी सबका खाऊंगी। मजा आया पर? हाँ मजा आया। अब देखते हैं थोड़ी देर आराम करके फिर शायद निकल जाएंगे बाहर।